महाभारत काल के मुनि सुखदेव। सुखदेव महाभारत काल के मुनि थे। वे वेद व्यास जी के पुत्र थे। वे बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। इन्होंने ही परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। सुखदेव जी ने व्यास जी से महाभारत भी पढ़ा था और देवताओं को सुनाया था। सुखदेव जी भगवान वेद व्यास के पुत्र थे। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथाएं मिलती हैं। कहीं इन्हें व्यास की पत्नी वटिका के तप का परिणाम और कहीं व्यास जी के तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शंकर का अद्भुत वरदान बताया गया है। ये कथा ऐसी भी है कि जब इस धाराधाम पर भगवान ने श्री कृष्ण और श्री राधिका जी का अवतरण हुआ, तब श्री राधिका जी का क्रीड़ा सुख भी इसी धाराधाम पर हुआ। उसी समय भगवान शिव जी पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी कथा सुनते सुनते निद्रा के वशीभूत हो गई और उनकी जगह पर सुख ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शंकर को यह बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने सुख को मारने के लिए उसका पीछा किया। सुख भागकर व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया। भगवान शंकर वापस लौट गए। यही सुख व्यास जी के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कहते हैं कि गर्भ में ही महात्मा सुखदेव को वेद उपनिषद दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान मनमोहन ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। व्यास जी इनके पीछे पीछे हाँ पुत्र पुकारते रहे, किंतु इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। श्री सुखदेव जी का जीवन वैराग्य का अनुपम उदाहरण है कि गांवों में केवल गौ दुहने के समय ही जाते और उतने ही समय तक ठहरने के बाद जंगलों में वापस चले जाते थे। व्यास जी हार्दिक इच्छा थी कि सुखदेव जी की श्रीमद् भागवत गीता जैसी परमहंस संहिता का अध्ययन करें, किंतु ये मिलते ही नहीं थे। श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाकर उसका आधा भाग अपने शिष्यों को रटा दिया। वे उसे गाते हुए जंगल में समीधा लाने के लिए जाया करते थे। एक दिन सुखदेव जी ने भी उस श्लोक को सुन लिया। श्री कृष्ण लीला के अद्भुत आकर्षण से बंध कर सुखदेव जी अपने पिता श्री व्यास जी के पास लौट आए। उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का विधिवत अध्ययन किया। इन्होंने इस परमहंस संहिता का सप्ताह पाठ महारथी अर्जुन के पौत्र तथा वीर अभिमन्यु व सती उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित को सुनाया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित जी ने मृत्यु को भी जीत लिया और भगवान के मंगलमय धाम के सच्चे अधिकारी बने। श्री व्यास जी के आदेश पर श्री सुखदेव जी महाराज परम तत्वज्ञानी महाराज जनक के पास गए और उनकी कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। आज भी हम महात्मा सुखदेव अमर हैं, ये समय समय पर अधिकारी पुरुषों को दर्शन देकर उन्हें अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा कृतार्थ किया करते हैं। हरिओम।